अलग अलग पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो अभी जो जो जलसा हुआ है हाल ही में उसमें सारे जो दोस्त हैं इनसे मैं तरफ से बात करूँ। सर आप क्या करते हैं नॉर्मल जिंदगी में? क्या काम करते हैं? जल्द फ्रेंड अपना खुद का बिजनेस में बिजनेस है इनका। और आप क्या करते हैं? क्या यूनिवर्सिटी यूके में? यहाँ स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हाँ, और आप सर? मैं कार मैकेनिक। जबरदस्त माशाल्लाह। और आप? मैं भी कार मैकेनिक हूं। आप नसीम के बेटे हैं? आप हो नसीम के बेटे हो? हाँ जी। आप भी? अच्छा, ये अपना तारुफ करा दे। मेरा नाम मैं नेमा मदन जी, मैं यूके की जमात से आया हूं। अच्छा, पटना जमात। ये देती तो भाई, ये देखें हफीज भाई, ये दिखाएं जरा, ये बिन है, ये बिन उठा रहे हैं और सारे नॉर्मल जिंदगी में जो पढ़े लिखे हैं। और इसी तरह मैंने बहुत सारे दोस्तों से इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बिजनेस करते हैं, किसी की गाड़ी का बिजनेस है। और सारे जो दोस्त हैं ये अल्लाह ताला की फजल से जमात की खिदमत करने के लिए, हर काम करने के लिए तैयार होते हैं। और ये देखिए अभी जो बिन उठाने का नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो कोई भी नहीं करना चाहता, मगर ये सारे पढ़े लिखे भी हैं, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बेशुमार फजल किए हैं। ये हमारी जमाती ड्यूटी है, जमाती ड्यूटी है, जो भी ड्यूटी मिल रही करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है और हम कर रहे हैं। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये इस जो शाम की भी इब्तदाई तालीम तो यही थी, जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमके सहाबा की देखते थे वो ऐसे होते थे, वो भी ना सारे मिल के भाइयों तरह एक प्लेट में खाना, दस्तरखान भी लगता है सबके लिए एक जैसे लगते हैं, सारी दुनिया खा रही होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जज़ाकुमुल्लाह जी, अल्लाह ताला आपका अपनी से मान।